का दोस्तों बिहार बोर्ड 11th में एडमिशन के लिए दोस्तों किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कब से स्टार्ट होने वाला है और कैसे आवेदन करना है, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं। कितना फीस लगेगा जब आप 11th में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो किस तरह से प्रोसेस है, सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने लाइव शेयर करेंगे। तो वीडियो को दबा कर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को, और सबसे पहले जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर, वहां पे आप सभी के सामने लाइव स्टेप बाय स्टेप जानकारी को शेयर करते हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो पे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को दबा कर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में चल जाना है और वहां पे सर्च करना है ऑफिशियल बीडीएस। हम यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। वैसे इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे चुके हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लाइव देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ऑफिशियल वीडियो जो देखने को मिला इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट 100% ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है, क्या आप स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो यस कर लें। चलिए हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। यस कर जैसे कि दोस्तों वो हट चुका है। अब चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें जो है एडमिशन कराना है, इसलिए एडमिशन वाले कॉलम में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन वाला कॉलम है यहाँ पे, उसके नीचे जैसे हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ओ एफ एस 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 बी आर इंटर एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई लिंक आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, इसी पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से क्लोज या ओपन का बटन आएगा, आपको ओपन बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों ओपन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट 100% ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रचार आपको देखने को मिलेगा, इसमें से कोई एक प्रचार पर क्लिक कर लेना है। दोबारा से इसी पेज पर आ जाना है। इससे क्या होता है कि पेज जो है वेबसाइट वो फास्ट ओपन होता है, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए तो नीचे हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कब होगी, तो बता दें दोस्तों कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो जो है आप सभी के सामने बता दें कि जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के बाद जो मंथ आएगा मतलब कि मई, तो मई में आपका एडमिशन प्रक्रिया 100% स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फिलहाल हम आपको यहाँ पे कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं ताकि ध्यानपूर्वक आप इसको देखें, ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये मई या जून यहाँ पे डिटेल्स को दिया गया है, आप लोग यहाँ पर आके खुद से भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बता दें और भी कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फीस की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते कौन से कैटेगरी का कितना फीस लगने वाला है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लाइव आप सभी के सामने जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ और भी आवेदन करने की प्रक्रिया बताया गया, देख सकते हैं कैसे आवेदन करना है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है कि आपको इसी लिंक के माध्यम से आवेदन करना है। तो फिलहाल देखिए कमिंग सून बता रहा है, कहने का मतलब है कि मई मंथ तक ये यहाँ इस तरह से जो है यहाँ पर भी लग जाएगा। फिलहाल आपको प्रतीक्षा करना है, ऑफिशियल नोटिस जैसे ही आएगा दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हम नीचे डाउनलोड चेक करेंगे या स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट होता है। अब मेरिट लिस्ट क्या होता है दोस्तों, जब आप एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे उसके बाद आपका कितना नंबर है उसके अनुसार लिस्ट आएगा। उस लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट करीब थर्ड लिस्ट तक आता है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें से फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो आप जिस भी कॉलेज में नाम आता है तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन करा सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास जो जानकारी था हमने शेयर किए, अगर आपको किसी प्रकार का परेशानी हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि उस पे जो है आप सभी के सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर दें।
फिलहाल जो हमें लगा कि शेयर कर देना चाहिए वो हमने शेयर कर दिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद। तो ध्यान रहे कि इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही बिहार बोर्ड का किसी प्रकार का ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहना है हमारे इस चैनल पर।